I'm Dr. Abha Kumari. In this video, I am going to teach you International Product Planning and Pricing Decision Part 1. At first meaning, international marketing, global product planning is a term which is used to describe the complete process of bringing a new product or service in new market. That means international marketing global product planning is a term. ये क्या है? एक term है. कैसा term है? Global product planning करने का, which is used to describe the complete process of bringing a new product. हम bringing करेंगे, लाएंगे. क्या लाएंगे? New product या फिर और services. Services को भी ला सकते हैं. कहाँ लाएंगे? In new market. तो international marketing global product planning में हम एक new product को launch करते हैं या फिर new services को launch करते हैं. कहाँ launch करते हैं? New market. वो कौन सा market? जो कि हम international level पर marketing करने गए हैं. तो इसके कौन कौन से element होंगे? तो these are the main element of international marketing product planning. सबसे पहले न्यू प्रोडक्ट टू द वर्ल्ड. वर्ल्ड को हम क्या प्रोडक्ट देंगे? एक नया प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट या फिर न्यू प्रोडक्ट लाइंस. जो प्रोडक्ट हम पहले से है या फिर आगे से चलता आ रहा है तो उसी में एक अपना नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर देंगे. देन एडिशंस टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन है उसी में हम क्या कर देंगे? अपने प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे. देन इम्प्रूवमेंट और रिविजन टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या फिर हम जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी में हम कुछ इम्प्रूवमेंट लाकर या रिविजन करके हम नया प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे. देन कॉस्ट रिडक्शंस, फिर हम उस पर कॉस्ट रिडक्शंस पे चले जाएंगे. नेक्स्ट, प्रोडक्ट प्लानिंग प्रोसेस. अब हम देखेंगे कि हम जो प्रोडक्ट का प्लानिंग कर रहे हैं उसका प्रोसेस क्या होगा. मैं पहले भी बता चुकी हूँ, प्रोसेस मीन्स स्टेप बाय स्टेप, यानी एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा काम जो करते हैं वो प्रोसेस में आ जाएगा. तो अगर हमें प्रोडक्ट का प्लानिंग करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? तो स्टेप नंबर वन में क्या करना होगा? आइडिया जेनरेशन. सबसे पहले हमें आइडिया को जेनरेट करना होगा, देखना होगा कि हमें कौन सा प्रोडक्ट को लॉन्च करना है. देन आइडिया स्क्रीनिंग, जो हम आइडिया को जेनरेट किए हैं उसे हमें क्या करना होगा? स्क्रीनिंग करना होगा. क्या करना होगा? स्क्रीनिंग. देन कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, फिर हमें कंसेप्ट का डेवलपमेंट करना होगा और वो जो कंसेप्ट का हम डेवलपमेंट कर लेंगे उसका क्या करना होगा? टेस्टिंग करना होगा कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है. देन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज डेवलपमेंट, जब हम आइडिया को जेनरेट कर लिए, आइडिया को क्या कर लिए? जनरेट किए, स्क्रीनिंग किए, कंसेप्ट का डेवलपमेंट कर लिए, तब हमें मार्केटिंग का क्या करना होगा? स्ट्रेटजीज बनाना होगा ताकि उसका डेवलपमेंट हो सके. देन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डेवलपमेंट, आफ्टर दैट हमें क्या करना होगा? बिजनेस एनालिसिस, फिर हमें बिजनेस को एनालाइज करना होगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना होगा, टेस्ट मार्केटिंग, मार्केटिंग में हमें टेस्ट करना होगा और उसके बाद सबसे अंत में हमें क्या करना होगा? कमर्शियलाइजेशन. कमर्शियलाइजेशन मतलब हम जो प्रोडक्ट को मार्केट से, मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो सारे बिजनेस एक्टिविटीज जो हमें मैन्युफैक्चरिंग प्लेस से लेकर कहां तक? कंज्यूमर प्लेस तक ले जाए, वो सारे एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान देते हुए अपने प्रोडक्ट को प्लान करेंगे. नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज व्हाट? इंटरनेशनल प्राइसिंग डिसीजन. इंटरनेशनल प्राइसिंग डिसीजन यानी हमें अपने अब जो प्रोडक्ट का प्लान कर लिए है, प्रोडक्ट को हम लॉन्च कर रहे हैं, अब वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकती है, प्रोडक्ट भी हो सकती है या सर्विसेज भी हो सकती है, तो उसके लिए हमें प्राइसिंग पर क्या करना होगा? डिसीजन लेना होगा कि व्हाट अबाउट द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट और सर्विसेज. तो प्रोडक्ट का हमें प्राइसिंग डिसीजन करना होगा. दैट वॉज द मीनिंग. Pricing plays a main role in international marketing. Pricing plays a main role in the international marketing and implementing effective marketing strategies. देखिए क्या मैं बोल रही हूँ. Pricing plays प्ले करता है. क्या प्ले करता है? सबसे मेन रोल, मेन रोल प्ले करता है. कहां पर? इंटरनेशनल मार्केटिंग में. ये इंप्लीमेंट करता है. क्या इंप्लीमेंट करता है? इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी. हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो इफेक्टिवली कैसे होगी? हमारा प्राइस ही डिटरमाइन करेगा हमारे प्रोडक्ट के सक्सेसफुल होने में. एनालाइज, नेक्स्ट क्या है?
analyze the factor which influence international pricing such as the cost structure. तो हमें analyze करना होगा वो सारे factor को जो influence करता है. क्या influence करता है? International pricing पर. उसमें सबसे पहले क्या ध्यान देना होगा? Cost structures. Cost structures को देखना होगा. The value of the product. उसके बाद हमें देखना होगा कि वैल्यू क्या है उस प्रोडक्ट की, द मार्केट स्ट्रक्चर, कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग लेवल्स एंड द वैरायटी ऑफ एनवायरमेंट कांस्टेंट. यानी हमें कॉस्ट स्ट्रक्चर देखना होगा, उस प्रोडक्ट का वैल्यू को डिटरमिन करना होगा, अपने कॉम्पिटिटर के मार्केटिंग स्ट्रक्चर्स पे और उनके प्राइसिंग लेवल्स पे ध्यान देना होगा, और उसमें हमें वैरायटी ऑफ एनवायरमेंट कांस्टेंट यानी सभी तरह के एनवायरमेंट जो उसमें इंक्लूड होते हैं उन सभी पर ध्यान देते हुए ही अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का क्या फिक्स करना होगा? प्राइस. उसके लिए हमें बेटर डिसीजन लेना होगा. तो उस डिसीजन लेने में हमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि द फर्स्ट फैक्टर्स. फर्स्ट फैक्टर क्या होगा? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज. सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट ला रहे हैं या सर्विसेज ला रहे हैं उसका कॉस्ट क्या क्या है. सबसे पहले कॉस्ट कवर हमें करना चाहिए, कॉस्ट प्राइस पे जाना चाहिए. देन कॉम्पिटिशन फॉर द प्रोडक्ट इन फॉरेन मार्केट. फिर देखना होगा कि हम जिस मार्केट में ला रहे हैं वहां हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उनका प्राइस क्या है, तो उनके प्राइस से हमको कॉम्पिटिशन देना होगा. फिर उसके बाद हमें कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है? डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इन इंटरनेशनल मार्केट. फिर हमें देखना होगा कि वो जो इंटरनेशनल मार्केट में हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी कितनी डिमांड है. अगर हाई डिमांड रहेगी तो हम हाई प्राइस पे भी जा सकते हैं, लो डिमांड रहेगी तो हमें लो प्राइस पे जाना पड़ेगा. अब इसके लिए हमें कंप्लीट करना होगा क्या? एक स्ट्रैटेजीज बनाना होगा. क्या आंसर स्ट्रैटेजीज? इंटरनेशनल प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज. इंटरनेशनल प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज बनाना होगा. उसके लिए हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स है. तो सबसे पहले पूरे कंप्लीट स्ट्रैटेजीज, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए सबसे पहला फैक्टर है कंपनी इंटरनल फैक्टर्स, मार्केट फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यूनिफॉर्म प्राइसिंग, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, मैनेजेरियल इश्यूज, मार्केट बाय मार्केट प्राइसिंग. अब इसमें हम एक एक करके सबको डिटेल में देखेंगे. मैं सबसे पहले आपको दिखाया, फिर से दिखाने की कोशिश कर रही हूं. सबसे पहले हम लोग स्ट्रैटेजीज बनाने में किस पर ध्यान देना है हमें? कंपनी इंटरनल फैक्टर पे. तो कंपनी इंटरनल फैक्टर में क्या क्या एलिमेंट आते हैं? तो सबसे पहले इंटरनल फैक्टर्स में हमें देखना होगा कि हमारा प्राइस क्या होना चाहिए, कितना प्राइस होना चाहिए जो कि हमें क्या बना सके, प्रॉफिटेबल बना सके. तो प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान देना होगा. देन हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या होगा, टैरिफ क्या जा रहा है, टैक्सेस क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा एंड चैनल कॉस्ट. ये सारे कॉस्ट को हमको कवर करने के साथ ही साथ वो प्राइस को फिक्स करना होगा जो कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी की ओर ले जा सके. नेक्स्ट हमें क्या देखना होगा? मार्केट फैक्टर. कि मार्केट फैक्टर्स में हम अपने आप को कहां स्टैंड करते हैं. तो सबसे पहले देखना होगा इनकम लेवल्स, फिर कॉम्पिटिशन पे ध्यान देना होगा, आफ्टर दैट कस्टमर कल्चर. कस्टमर कल्चर में हमें ध्यान देना होगा कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनका क्या कल्चर है, उनका बाइंग बिहेवियर क्या है. तो वो मार्केट फैक्टर्स पे इन्फ्लुएंस करती है. नेक्स्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हमें देखना होगा किसके बारे में? फॉरेन एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन रेट, प्राइस कंट्रोल एंड रेगुलेशन. यानी ये सभी चीज को कवर करके ही हम अपने प्राइसिंग डिसीजन पे आ सकते हैं. उसके बाद हम किस पे जाएंगे? यूनिफॉर्म प्राइसिंग. यानी हमारा प्राइसिंग ऐसा ना हो कि जिसमें काफी डिफरेंसेस हो हमारे कॉम्पिटिटर से, तो कुछ हमारी यूनिफॉर्मिटी भी होनी चाहिए प्राइसिंग पे. देन मार्केट बाय मार्केट प्राइसिंग. फिर हमें देखना होगा कि कौन से मार्केट में हम कितना प्राइस को रखें जिससे कि हम अपने आप को प्रॉफिटेबल प्रूव कर सकें. तो हर मार्केट के लिए मार्केट बाय मार्केट प्राइसिंग पे जाना होगा. देन हम किस पे ध्यान देंगे? सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग में, कि हमारा जो प्राइस होगा तो उसके लिए हम कहां कहां से सोर्स हो सकता है अपने फाइनेंस के लिए. तो हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग? कमर्शियल बैंक, देन गवर्नमेंट, देन नॉन कैश ट्रांजेक्शन एंड सबसे लास्ट में क्या होगा? काउंटर ट्रेडिंग.
अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं, वो कौन सा फैक्टर है, फाइनेंसिंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए फाइनेंसिंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में सबसे पहले क्या कवर करता है, रिस्क। ये रिस्क तो रहेगा ही, और उसके बाद हमको देखना होगा कि कस्टमर अरेंजमेंट वर्सेज सप्लायर अरेंजमेंट, यानी हमारा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर के लिए भी कन्वीनियंट हो और सप्लायर के लिए भी कन्वीनियंट हो। और फिर हमें किस पॉइंट पे जाना चाहिए, किस पॉइंट पे हम आएंगे, मैनेजेरियल इश्यूज। मैनेजेरियल इश्यूज में हमको सबसे पहले देखना होगा कि हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग, फॉरेन करेंसी, पैरेलल इंपोर्ट्स, ग्रे मार्केट, एक्सपोर्ट प्राइस एस्केलेशंस एंड ग्लोबल प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, इन सब पॉइंट्स पे ध्यान देते हुए ही अपने मैनेजेरियल इश्यूज को हम क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग के बारे में पार्ट वन पे गई हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के पार्ट टू में आऊंगी। थैंक यू।